इस वीडियो में आज हम बात करेंगे Redmi का K30 के बारे में। तो गाइस जो Redmi का K30 है वो आपको दिसंबर के मंथ में चाइना में देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस चाइना में एक इवेंट होगा जिसमें Redmi का K30 लॉन्च किया जाएगा। तो गाइस हम आपको बता दें कि जो Redmi का K30 है उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो पूरी तरह से लीक होकर आ गई है, और कई ऐसी स्पेसिफिकेशन है जो ऑफिशियली कन्फर्म हो गई है Redmi की तरफ से। तो इस वीडियो में आपको इसी स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन, प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में बताऊंगा, और बताऊंगा कि कब ये इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ लगे बेल को भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। तो सबसे पहले हम बात कर ले इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो Redmi का जो K30 है उसकी जो आज ही स्पेसिफिकेशन लीक होकर आ गई है, जैसा कि आप इस इमेजेस में देख सकते हो। यहाँ पर आपको दो कैमरास देखने के लिए मिलते हैं फ्रंट वाली साइड, और इसमें आपको दो कैमरास देखने के लिए मिलेंगे, तो इस स्मार्टफोन की काफी बड़ी खास बात होगी। और इसमें आपको डुअल पंच होल वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। तो वैसे सेम डिस्प्ले आपको हवावे के नोवा 6 में देखने के लिए मिलती है, वहां पर भी आपको डुअल पंच होल वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, बट वहां पर आपको राइट वाली साइड मिलती है, बट यहाँ पर आपको लेफ्ट वाली साइड डुअल पंच होल वाले कैमरास देखने के लिए मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से एक पोजीशन आपको काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है स्मार्टफोन्स में। तो ओवरऑल आपको देखा जाए तो आपको काफी अच्छी डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। तो बात करें रेजोल्यूशन की, तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेंगे इसके डिस्प्ले में। ये भी ऑफिशियल कन्फर्म हो गया कि जैसा कि आप देख सकते हैं Redmi का K30 स्मार्टफोन है जो MIUI 11 पर बेस्ड है। इसमें आपको एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का GPU भी देखने के लिए मिलता है। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 735 वाला प्रोसेसर मिलेगा, पर यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज देखने के लिए मिलते हैं इसके रिफ्रेश रेट। तो आप 60 हर्ट्ज से स्विच कर सकते हो 120 हर्ट्ज तक, तो आपको काफी अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी। ओवरऑल जो शार्पनेस होगी डिस्प्ले की वो भी काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो स्मार्टफोन में आपको जो प्रोसेसर मिलेगा वो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 735 प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस ये जो प्रोसेसर है वो अभी ऑफिशियल कन्फर्म नहीं हुआ है क्वालकॉम की तरफ से, बट दिसंबर में एक इवेंट होगा क्वालकॉम का जिसमें वो स्नैपड्रैगन के 700 सीरीज के न्यू प्रोसेसर दिखाएंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 735 वाला प्रोसेसर भी देखने के लिए मिलेगा, और इसका जो कोड नेम आ रहा है वो स्नैपड्रैगन 7250 आ रहा है। तो गाइस मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन होगा वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा, और मैं आपको बता दें कि इस स्मार्टफोन में आपको 5G एनेबल्ड होगा, और इसमें आपको डुअल 5G का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। आप दो सिम से 5G की यूज कर सकोगे इस स्मार्टफोन में। तो ये अभी कन्फर्म नहीं है कि इंडिया में आपको 5G का स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट चाइना में 5G आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया में इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इंडिया में अभी 5G अवेलेबल नहीं है। जब इंडिया में 5G अवेलेबल हो जाएगा तो सभी कंपनीज अपने 5G स्मार्टफोन इंडिया में भी लॉन्च करेगी। इसके बारे में बात करें इसके कैमरास की, तो इस स्मार्टफोन में आपको जो फ्रंट वाली साइड होगी उसमें आपको दो कैमरास देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको 16 मेगापिक्सल का होगा और एक 2 मेगापिक्सल का होगा। जो 16 मेगापिक्सल का होगा वो रियर पर काम करेगा, और जो 2 मेगापिक्सल का होगा वो आपको पोर्ट्रेट मोड क्लिक करने के लिए काम करेगा। तो गाइस देखते हैं कि आपको यही कैमरास देखने के लिए मिलते हैं या नहीं मिलते। तो इसके बारे में बात करें इसके पीछे वाले कैमरास की, तो इसमें आपको 4 कैमरास देखने के लिए मिलेंगे इस बार स्मार्टफोन में। जो मेन कैमरा सेंसर होगा वो 16 मेगापिक्सल का होगा, जिसमें आपको सोनी का IMX686 वाला सेंसर दिया जाएगा। उसके बाद जो आपको सेकंड कैमरा देखने के लिए मिलेगा वो 16 मेगापिक्सल का मिलेगा, जो वाइड एंगल का काम करेगा। 8 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस मिलेगा, और 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ शॉट क्लिक करने के लिए कैमरा मिलेगा। तो गाइस ओवरऑल देखा जाए तो स्मार्टफोन के जो कैमरास होंगे वो काफी अच्छे होंगे। इसके बारे में आपको बता दें कि स्मार्टफोन में आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा वो इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा। इसके पावर बटन में आपको साइड की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलेगा। जो आपको पावर मिलेगी वो इसके पावर बटन में मिलेगी, उसकी मदद से आप अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो, और इसमें आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलेगा। तो अगर हम बात करें इसकी बैटरी की, तो स्मार्टफोन में आपको जो बैटरी मिलेगी वो 4000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस इसमें आपको 30W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलेगा, और जो आपको चार्जर मिलेगा वो भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस उसके बाद आपको बता दें कि जो Redmi का K30 Pro होगा उसमें आपको 100W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, जिसकी मदद से आप सिर्फ 17 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हो अपने स्मार्टफोन को, जिसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस उसके बाद बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो ये आपको दिसंबर के मंथ में देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस पहले Redmi का जो जनरल मैनेजर है उन्होंने बताया कि जो हमारा स्मार्टफोन होगा ये आपको 2020 में देखने के लिए मिलेगा। जो Xiaomi के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि जो आपको Redmi का स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेगा जो आपको 5G एनेबल होगा वो आपको दिसंबर के मंथ में ही देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस ऐसे कंफर्मेशन आ गया है कि आपको ये दिसंबर के मंथ में ही देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस देखते हैं कि ये स्मार्टफोन किन किन स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, बट मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ Redmi का K30 देखने के लिए मिलेगा। जो आपको K30 Pro देखने के लिए मिलेगा वो आपको 2020 में ही देखने के लिए मिलेगा। अभी ये कंफर्मेशन नहीं है कि आपको कब देखने के लिए मिलेगा, बट आपको 2020 में ही Redmi का K30 Pro देखने के लिए मिलेगा, जबकि Redmi का K30 होगा वो आपको दिसंबर के मंथ में ही देखने के लिए मिल जाएगा 2019 में। उसके बाद हम बात करें इसकी प्राइस की, तो स्मार्टफोन की जो प्राइस स्टार्ट होगी वो मेरे ख्याल से 20,000 से ऊपर ही जाने वाली है। तो देखते हैं कि किस प्राइस के साथ ये लॉन्च होता है। गाइस अगर आपके वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ लगे बेल को भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। थैंक यू।